हैप्पी फादर डे दोस्तों। आज आप लोग को उस गॉड, उस ईश्वर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो ईश्वर हम लोग को इस धरती पे लाए और आंधी तूफान, जाड़ा, गर्मी, बरसात से हर पल हमारी रक्षा की। दोस्तों वो हमारे गॉड कौन है? हमारे पिता। आज पिता के बारे में दोस्तों दो शब्द सुनाने जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा सुनेंगे। दोस्तों पिता का रुतबा सबसे ऊंचा रब के रूप समान है। पिता की उंगली थाम के चले तो हर रास्ता भी चलना आसान है। अगर रास्ता भटक जाऊं तो मुझे फिर राह दिखाना, आपकी जरूरत मुझे हर कदम पर होगी, नहीं है कोई दूजा आपसे बेहतर चाहने वाला। सही बात है दोस्तों, माता पिता के अलावा कोई और नहीं है इस दुनिया में, धरती पर, जो कि सच्चे दिल से हजार गलतियों के माफ करने वाला कोई भी आज तक धरती पर नहीं आया। वो है हमारे पिता, वो है हमारे माता। एक पिता दोस्तों, गाना भले नहीं आता हो, गाना भले ना आता हो, पर मेरे लिए वो गाते हैं। कभी खिलौने, कभी मिठाई, तो कभी आइसक्रीम दिलाते हैं। कभी जिद करता हूँ तो डांट भी वो लगाते हैं। सबसे पहले वो मेरे दोस्त और वही साथी बनकर वह आते हैं। दोस्तों एक माता पिता का इतना बड़ा भूमिका है ना, वह अपने लाइफ में एक बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं और हमारे गाइडलाइंस भी होते हैं, मोटिवेशनल भी होते हैं। और दोस्तों जो इस शरीर को निर्माण करने में हर तरह से उनका योगदान होता है, आज बहुत ऐसे युवा लोग हैं जो माता पिता को इग्नोर कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा ना करें, एक बार समझने की कोशिश करें और माता पिता को सेवा करें तो काफ़ी बेस्ट होगा। कहते हैं दोस्तों, पिता नीम के पेड़ जैसा होता है, पिता नीम के पेड़ जैसे होता है, उसके पत्ते भले ही कड़वे हों पर वो छाया ठंडी देता है। मेरा साहस, मेरा इज्जत, मेरा सम्मान है पिता, मेरी ताकत, मेरी पूंजी, मेरी पहचान है पिता। सही बात है दोस्तों, जो भी आज हम लोग, जिसके बदौलत आज हम लोग खड़े हैं इस धरती पर, वो है हमारे पिता। लाख गलतियों के माफ करने वाले, वो है हमारे पिता। लाख दुख को सहने वाले और सह करके रहने वाले, वो है हमारे पिता, जो अपने गलतियों को कभी फेस नहीं करते हम लोग के सामने। वो हाथ सिर पर रख दे तो आशीर्वाद बन जाता है, वो रोते हैं तो दोस्तों सच कहूं दिल दुख जाता है। वो कौन है? तो वो है हमारे पिता। दोस्तों एक पिता सूरज की तरह होता है, वो गर्म जरूर होता है, पर यदि न हो तो अंधेरा छा जाता है। दोस्तों अगर माता पिता गर्म होते हैं, अगर डांट लगाते हैं, तो दोस्तों हमारे लिए ही लगाते हैं और वही डांट दोस्तों हम लोग को आगे जा करके कामयाबी का रास्ता बन जाता है, एक प्लेटफार्म बन जाती है। जो दोस्त माता पिता को इग्नोर करते हैं, दोस्तों बता दूं कि माता पिता ये गुस्से में बोल तो जाते हैं बहुत कुछ, बट अकेले में बैठकर वो आपके लिए ही रोते हैं, ना कि अपने लिए रोते हैं। दोस्तों एक पिता की छाया, एक इतनी बड़ी छाया है ना, घर की दरवाजा, घर की मेन दरवाजा होता है पिता। अगर उसका न रहने पर दोस्तों बहुत ही अजीब फील होता है। दोस्तों इसलिए माता पिता को हमेशा आप लोग रिस्पेक्ट करें, कभी भी उनको दुख ना पहुंचाएं। शायद मेरे तरफ से यही आप लोग से निवेदन है। हैप्पी फादर डे दोस्तों, हैप्पी फादर डे।